वहीं राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में सोमवार को अन्न उत्सव मनाया गया। हालांकि राष्ट्रीय शोक के चलते इसे उत्सव के रूप में न मनाते हुए हितग्राहियों को उनके कोटे का राशन आवंटित किया गया। हितग्राहियों को पूरा राशन वितरित हुआ या फिर नहीं, इसका निरीक्षण करने के लिए भोपाल से वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी इंदौर पहुंची थी। प्रत्येक माह की 7 तारीख को प्रदेश में अन्न उत्सव मनाया जाता है। कोरोना काल के चलते इसे उत्सव के रूप में न मनाते हुए विभाग द्वारा हितग्राहियों को राशन का वितरण किया जा रहा था। इस बार संक्रमण की दर कम होने पर सरकार ने उत्सव के रूप में मनाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए प्रत्येक राशन दुकान पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने और हितग्राहियों से फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के चलते देश में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक है। शोक के चलते उत्सव के रूप में न मनाते हुए सामान्य रूप से राशन वितरण किया गया। निरीक्षण के लिए भोपाल से एक टीम इंदौर पहुंची थी, जिसने मूसाखेड़ी, पाटनीपुरा और राव सहित कई राशन दुकानों का निरीक्षण किया। खाद्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभय बेड़ेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर जिले में जनवरी और फरवरी का राशन 94% हितग्राहियों को आवंटन किया जा चुका था। 6% लोगों को राशन का आवंटन अन्न उत्सव के तहत किया गया। जीएम है नागरिक आपूर्ति निगम में मिस्टर के श्रीवास्तव, वो आए हुए हैं, मेरे उनसे बात भी हुई थी। आज चूंकि TL की बैठक रहती है तो उसमें आज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर हैं फूड के, वो उस बैठक में उपस्थित नहीं थी क्योंकि वो फील्ड में थी। हमारे सारे जो फूड के सप्लाई इंस्पेक्टर्स हैं वो सब भी फील्ड में हैं। थोड़ा सा शायद चूंकि राष्ट्रीय शोक चल रहा है तो इसलिए जिस तरह से उत्साह के रूप में इसे मनाया जाना था उसमें थोड़ा सा कुछ कमी जरूर हुई है, परंतु जो कार्यक्रम है शासन का कि खाद्यान्न का बंटन होना है आज के दिन जो पात्र लोग हैं, तो वो बंटन चल रहा है और 94% बंटन कल तक हो चुका था, तो सिर्फ 6% लोग बचे हैं। तो जिनों को जनवरी और फरवरी का आवंटन होना है तो वो सॉरी बंटन होना है तो वो बंटन चल रहा है और उसकी शाम तक रिपोर्ट भी आएगी। राष्ट्रीय शोक के चलते अन्न महोत्सव को उत्सव के रूप में न मनाकर सामान्य रूप से मनाया गया। इस दौरान हितग्राहियों को राशन भी वितरित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।